आज तो मेरा पहला दिन है, आज मेरा पहला दिन है। आज मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। इधर मैं अभी बोल नहीं सकता, बहुत के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चांस छोड़ ही दिया था कि मेरा मतलब ये लाइन पे आ भी सकूँगा कि नहीं, पर बहुत अच्छा लग रहा है। अजय गुप्ता। अजय गुप्ता, इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ, कुछ उसके बारे में बताओ। इंडस्ट्री में आना तो मेरा सैनवा सर कॉल किए थे, तब मतलब मैं तो एक तो आशा छोड़ दिया था आने का। देखो बहुत बार ट्राई मारा मैंने ये लाइन पे, पर मुकाबी मैं क्या बोलते हैं कामयाबी नहीं मिल पाई। पर एक सैनवा सर ने मेरे को कॉल करके बुलाए, वो ऑनलाइन थ्रू हुआ था व्हाट्सअप से। मेरा कॉल नंबर निकाले, फिर मेरे को कॉल किए और फिर बोले कि तुम ये मेरे ये, टैलेंट है बंदे का। एल्बम में सिलेक्शन मैंने बोला था कि एल्बम में देखो आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। तो बट शॉर्ट लिस्ट में नाम आया मतलब शॉर्ट लिस्ट में नाम ऐसा आया था कि मतलब उसमें से काफ़ी हज़ारों लोग को सिलेक्शन में लिया गया था। तो उसमें से अजय जी का सिलेक्शन में आ पा रहा था नहीं पा रहा था, तो उसमें से मैंने शॉर्ट लिस्ट में काफ़ी मैंने मेहनत किया, तो मैंने इनका शॉर्ट लिस्ट कैसे भी किया, नाम इनका आया। तो इसको कॉल किया कि मैंने देखो आज आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया, ऑडिशन के लिए आ जाओ, ठीक है। तो इन्होंने आ गए, तो इनको एक एल्बम के लिए मैंने एक सॉन्ग के लिए इनको मैं इनवाइट किया कि देखो आप परफेक्टली इस पे बैठोगे जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते होगा, ठीक है। तो इनको मैंने इन्वाइट किया हूँ। तो काफ़ी मीडिया से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इनको भी थोड़ा पूछे। अजय गुप्ता, किस तरह तुम क्या सोच के तुम बॉलीवुड में कदम रख रहे हो? मुझे मतलब बचपन से शौक है एक्टिंग का, तो मैं बहुत जगह पे ट्राई मार रहा था एक्टिंग का। तो अभी एक्टिंग का ही कर रहा हूँ, इनके साथ एल्बम शूट कर रहा हूँ। तो कितना सपोर्ट है शहनवाज का? और पूरा किस तरह का आपने टैलेंट दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो इनको? मुझे बंदे में टैलेंट दिखा, मुझे बंदे में टैलेंट दिख गया था। जिस वक्त इनका प्रोफाइल आया था तो उस वक्त मुझे दिखा कि हाँ, ये बंदे में हार्ट भी प्रिपेयर है और इनका जो बोलते हैं ना अंदर से कुछ दिखता है, तो वो दिखता है, मुझे अच्छा लगा। बिकॉज इनको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैं सपोर्ट किया। और देन तो आगे बढ़ाने का सक्सेसफुल तो ऊपर वाले के हाथ में है, और जो भी एक हार्डली करना इनके हाथ में है। अभी जो हमने आज रिकॉर्डिंग किया है गाने का, तो बहुत अच्छा सॉन्ग था। इसका नाम है दिल दे दिया है, एल्बम का नाम दिल दे दिया है। इस आई थिंक ये यूथ को बहुत पसंद आएगी। और मैंने तो अभी तक गाने के रिकॉर्डिंग के लिए मैंने अभी अजय जी को बताया हूँ, मैंने सुना इस गाने को, उन्होंने बहुत अच्छा लाइक दिया है। अभी इनके ऊपर है कि एक्टिंग का कैसा रहेगा, बेहतरीन है कि क्या है, डिपेंड इनके ऊपर है। ताकि मैंने तो और शहनवाज जी ने ऑडिशन सेलेक्ट किया है, क्या थीम था गाने की, क्या थीम? लाइक ये रोमांटिक और एक सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। तो हीरोइन सेलेक्ट किया है इस गाने के लिए? अभी तो हीरोइन नहीं, अभी फिलहाल में हमने सेलेक्ट किया है इनको ही, ऑडिशन में सेलेक्ट किया अजय जी गुप्ता, और इनको सेलेक्ट किया गया। अभी फीमेल के लिए कास्टिंग चालू है, तो जैसा वो भी होगा इनको तो लॉन्च करेंगे। मुझे बॉलीवुड में आना बहुत बड़ी बात होती है, क्या प्लानिंग है? अभी मैं अपना तो 100% दूंगा, अब बाकी सब जनता के ऊपर है, ऑडियंस ही सब बनाती है। गाना गाते हो? नहीं, गाने एज ए एक्टर लॉन्च कर रहे हैं हमारे थ्रू। और आप क्या करेंगे सब हमको लेकर हमारा प्रोडक्शन है जो हम जो अभी ग्रीन म्यूजिक के लिए काम कर रहे हैं वीडियोस के लिए। हमारा प्रोडक्शन तो अभी स्टार प्रोडक्शन, वो तो अब जनता जानती है। मैं अंडरग्राउंड रैपर लोग के लिए कमर्शियल गाने शूट एडिट पूरा मैनेजमेंट मैं ही करता हूँ। तो आगे क्या प्लानिंग है इस गाने को लेकर? आगे की प्लानिंग कब तक शूटिंग करेंगे आप? अभी तो डिसाइड हुआ यही मंथ में शूट क्लियर करेंगे, बाकी का शहनवाज सर। प्लानिंग तो अभी ये नेक्स्ट इस मंथ में ही शूट होगा, बाकी जो नेक्स्ट मंथ में कॉन्फ्रेंस होगा उस मंथ में बताया जाएगा, कमिंग सून में कभी आएगा। तो
बस ऑडियंस पसंद करो या गाना तो बिकॉज अभी अभी गाने का तो अभी प्रोसेसिंग अभी हम रखे नहीं है, बट अभी रखने में नेक्स्ट टाइमिंग से हम रखेंगे तो आपको मीडिया को और मीडिया को भी पता चल जाएगा, ऑडियंस हमारे उनको भी बता देंगे कि कभी आ रहा है हमारा गाना। शूटिंग मुंबई में ही होने वाली है, मुंबई के बहुत सारे जगह जो है देख रहे हैं तो अच्छा से अच्छा जगह पे लोकेशन पे शूट करने वाले मुंबई में। और जैसे मैंने पिछला एल्बम भी किया था, ऑडियंस को बहुत प्यार मिला था, तो ऑफकोर्स शहनवाज सुनाएगा क्योंकि मैंने लिखा गाना ने गाया है। गाना तो ऑडियंस के लिए हम काफ़ी प्रिपेयर करके रखते हैं बिकॉज तो अभी मैं गाना तो मैं अभी मतलब अभी रिकॉर्डिंग तो आज हुआ नहीं है, रिकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। नहीं नहीं नया ही वाला सुना दो, मैं लाइन बता रहा हूँ। हाँ तो अभय जी सुना देंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ढूंढेगी मुझको हर जगह तू, ढूंढेगी मुझको हर जगह तू, मांगेगी रब से वापस मुझको तू, जब नजर नहीं आऊंगा मैं, रह जाएगी बाकी मेरी यादें, यादों में तेरी आऊंगा मैं, रह जाएगी बाकी मेरी यादें, यादों में तेरी आऊंगा मैं। इसके अलावा और क्या चल रहा है आने वाले समय में? अभी हम लोग काम करने वाले हैं, मूवी पे काम करने वाले हैं, तो अभी आपका क्या चल रहा है आने वाले टाइम पे, कहाँ दिखने वाले? ऊपर वाले जिदेन ने जो भी मैं दिख रहा हूँ सब ऑडियंस का कृपा है कि मैं अभी जो मेरा प्रोसेसिंग जो मेरे YouTube पे चल रहा है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बट ऊपर वाले का भी करम है और ऑडियंस का भी तो करम। अवार्ड शो में हिस्सा लेने वाले हो आप? या जल्द ही है, मुझे काफ़ी कॉल आया था, मुझे पंजाब से भी कॉल आया था परफॉर्मेंस करने के लिए, बट मैं कुछ फैमिली की सपोर्ट है, अब फैमिली जाने नहीं देती है, इसी वजह से मैं जा नहीं पाया मैटर से। अजय जी आप क्या कहो, अभी आप नए हो मार्केट में कदम रख रहे हो तो क्या प्लानिंग की आगे की? आगे की तो अभी जनता के ऊपर अभी मैं आगे का कुछ बोल नहीं सकता, मैं तो अब भी कहीं नहीं बता सकता हूँ, पर ये महीने का जो शूट है उसमें अपना 100% दूंगा और बाकी जनता देखे। अगर आपको अचानक में दुबई से बोला जाए कि भाई मेरे को मॉडलिंग करना है, आप आ रहे हो तो आप क्या करोगे उस टाइम, आपकी फीलिंग क्या रहेगी? नहीं तभी नहीं, मैं मॉडलिंग करूँगा ही नहीं, मेरा एक्टिंग का ही है। एक्टिंग और मॉडलिंग अलग अलग नहीं है? नहीं तो भी एक्चुअली में जो अजय जी है बेसिकली पैशनेट जो है वो एक्टिंग में, तो इसके लिए हम लोग जो ओडिशा में पहले देखे तो तभी मालूम पड़ गया था ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो अभी आप इन पे कितनी मेहनत कर रहे हो एक्टिंग के लिए, एक्टिंग खाने का काम? मेहनत मैं नहीं कर रहा हूं, मेहनत अजय कर रहा है, तो अजय थोड़ा कोई डायलॉग बोल देगा? डायलॉग प्रेशर है तो प्रेशर हो, अभी डायलॉग एक का तो डायलॉग रिएक्शन के साथ बोल सकते हो। कुछ याद है किसी भी हीरो का जो पसंद? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। ये जो ग्रीन फिल्म है म्यूजिक ऑफिशियल है, ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल यस, इस पे हमारा कमाने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। और ऑडियंस से ये कहता हूँ प्लीज लाइक सब्सक्राइब देन शेयर करें और अजय जी को सपोर्ट करें इनको, हाँ फ्री यस यस, और इनको सॉन्ग को सुने एंजॉय करें और प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब देन शेयर अजय भाइयों, मैं तो आपका ही बेटा हूँ, जरा सपोर्ट कर दो। या वोट फॉर अजय, यस यस। विशाल को जितना बोलें कम है, विशाल जी का भी प्रोडक्शन होने वाला है द वी स्टार प्रोडक्शन से, गाना भी बहुत जल्दी विशाल बाकी जो नेक्स्ट मंथ तक वीडियो ड्रॉप हो जाएगा काम है।
ऑल द बेस्ट है ऑडियंस को, प्लीज अजय जी को सपोर्ट करें, जितना भी आपको प्यार दिया है, जितना भी आपने आदमी दिया है, आपने सबको प्यार दिया अजय जी को। और अभय अभय एंड शहनवाज खान को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उनके सॉन्ग काफ़ी मुझे मैंने काफ़ी देखा है कमेंट्स में कि ऑडियंस काफ़ी पूछ रही है कि प्लीज़ कभी आएगा आपका सॉन्ग। तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ वेट नहीं कीजिए, अभी वेट करने का टाइम ख़त्म हो गया है। इस मंथ में ही शूट होने वाला, नेक्स्ट मंथ में आपको रिजल्ट दिख जाएगा यूट्यूब पर, बहुत ही जल्द। यस यस, बहुत जल्दी आने वाला है ग्रीन मिटी को आने वाला। आवारापन मेरा दीवानापन लाया है काज को आज सनम, अब तुम ही बताओ सनम जाए तो जाए कहाँ, अब तुम ही बताओ सनम जाए तो जाए कहाँ। आखा बेवजह ये दिल ढूंढे प्यार का मंजिल, खामखा बेवजह ये दिल ढूंढे प्यार का मंजिल, इस मालूम है इस है ये पता, इस मालूम है इस है ये पता।